सफीरे पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीरे पाकिस्तान हर जगह हर पल आपका अपना सफीरे पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर ख़िदमत है। कि ये कैसे मिजाज हैं, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। और हाँ, आपने हमारी पाकिस्तान डे परेड भी देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मैं ट्रिप पर था वाशिंगटन DC के, क्योंकि वहाँ अपना का बहुत बड़ा कन्वेंशन था अंडर दी लीडरशिप ऑफ डॉक्टर आसिफ रहमान, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं तमाम अपना के मेम्बरान्स को, खुसूसी अपना की जो होस्ट कमेटी की टीम है डॉक्टर प्राचा और उनकी टीम को, मैं रियली मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि वाकई उन्होंने प्रोग्राम को बहुत अच्छा पुट टुगेदर किया और बहुत नाइसली डन किया। और नाज़रीन, सबसे खुशी की बात यह है कि मैं बता दूँ कि कहते हैं कि बाद मुखालिफ से ना घबरा ऐ अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यूँ तो कई साल से सफ़ीर पाकिस्तान और जियो हमेशा कवरेज में डोमिनेट करता है कम्युनिटी के मुख्तलिफ इवेंट्स में और प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन इस बार वाकई अपना की भी तकरीब में जियो वाज द सुपर स्टार ऑल द वे। अगर आप देखें सफ़ीर पाकिस्तान को, माशाल्लाह 15 साल से अपना के साथ है और लीडर है उनके साथ, हर लिहाज से फंड लाने में, उनको हेल्प करने में, मदद करने में इज ऑन अ फोर फ्रंट। इसके अलावा इस बार जो टीम आई थी जियो की, वो सुपरस्टार टीम थी जियो की। तमाम जो जर्नलिस्ट आए थे, टीवी एंकर थे, जिसमें सोहेल वराइच, आपके हसन निसार साहब, फैसल अजीज़, ये टीम थी हमारी जियो की। और ऑफकोर्स सफ़ीर पाकिस्तान वहाँ था, अजीम मियाँ वहाँ पर मौजूद थे, वाजिद वहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ थे वाशिंगटन DC के मौजूद थे, अजीम कैमरामैन थे वहाँ पे, काशिफ कैमरामैन थे सफ़ीर पाकिस्तान के। तो ये पूरी टीम आबोताब से वहाँ चमक रही थी, हर कोने में, हर कॉर्नर में, हर जगह जियो की टीम काम कर रही थी। और वाकई जो हमारा डिबेट था सोशल फोरम का डिबेट, वो भी ज़बरदस्त रहा, कामयाब रहा। डॉक्टर तला साहब, आपको मुबारक हो। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़ी कोशिशें की जियो को थले लगाने की, लेकिन कहते हैं कि क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म, वर्क, एबिलिटी, इंटेलिजेंस सर चढ़ के बोलता है। और इस बार भी जियो अपना के अंदर ऑल ओवर नंबर वन रहा। आज एक मुलाकात हमने की है जनाब ईसा साहब से। ईसा जो है वो IT प्रोफेशनल हैं और उन्होंने ह्यूस्टन में नहायत ही बहुत बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। ये 10 एकड़ पर महीत है और बहुत खूबसूरत उसकी तामीर जारी है। और उनकी दरख्वास्त है कि ऐसे मुखिया हज़रात आगे बढ़ें और इस स्टेडियम को एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल देने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि इस स्टेडियम है जिसमें 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं और डेफिनेटली इसमें ईसा ने बहुत मेहनत की है। तो वो मुलाकात जनाब ईसा साहब से हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की है। नाज़रीन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर यहाँ ह्यूस्टन में हूँ और ह्यूस्टन की एक और शहर है छोटा सा वालेस काउंटी, वालेस काउंटी में मौजूद हूँ मैं। और यहाँ आने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट मैचेस होते हैं और मुख्तलिफ इंग्लैंड में, इंडिया में, और बड़ी बड़ी लाइट्स लगती हैं और ग्राउंड के अंदर जो बिल्कुल डे का समा देती हैं। तो यहाँ पे हमारे एक पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है नवीद ईसा। तो उन्होंने, क्योंकि वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलते रहे हैं,
तो उन्होंने यहाँ इस कमी को महसूस किया कि अगर हम एक ऐसा क्रिकेट ग्राउंड बनाएं जो कि नाइट में हम गेम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, तो रात में मौका होता है कि वो रात में टूर्नामेंट्स करें, मैच करें, खेलें। तो नवीद ईसा ने अपने ही नाम से, नवीद ईसा क्रिकेट क्लब के नाम से ये नाइट क्रिकेट स्टेडियम की दागबेल डाली है, जो दो ग्राउंड हैं और 10 एकड़ पर ये मुहित हैं, और भी चाह रहे हैं कि उसको बाकायदा एक स्टेडियम और एक कॉम्प्लेक्स की जगह दे दी जाए। तो ये इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने क्यों से आगाज़ किया। बाय प्रोफेशन ये ERP सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, बाय प्रोफेशन इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर, और मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की है, और वालेस काउंटी में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पर जी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं पार भाई? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। तो ये जो आपने अभी, आपने मुझे पहले भी बुलाया था एक दफ़ा, आपका क्रिकेट मैच था जो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन दोबारा जब मैं आया तो आपने यहाँ पे बाकायदा, जैसे पाकिस्तान में और यूरोप में और इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नाइट में जो मैचेस होते हैं, आपने पूरा वो समा पैदा किया है स्टेडियम का। तो ये आपका कैसे ख्याल आया और क्यों आपने सोचा, क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया? तो मैंने फिर ये कि सिटी और काउंटी के जो पार्क सुपरिटेंडेंट्स थे उनसे, मैंने उनके जो ऑफिशल्स थे उनसे बात करने की कोशिश की, काफ़ी सारों को फ़ोन किया, बातचीत की। तो वो ये है कि लाइट लगाने पे, हालांकि उनके ग्राउंड्स हैं जो उन्होंने लीज़ करी हुई, ह्यूस्टन क्रिकेट लीग को लीज़ की हुई है, लेकिन उस पर लाइट लाने की, मैंने कहा मुझे रेंटल फैसिलिटी बनाने दें, मैं रेंटल लाइट्स लाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि कैसा रिटर्न है उसका, कैसा लोगों का उसके अंदर रिस्पॉन्स है। तो 3-4 ग्राउंड जो डेडिकेटेड क्रिकेट के ग्राउंड हैं वो, उस पर उन्होंने समहाउ मुझे लाइट लाने की इजाज़त नहीं दी, और इसलिए नहीं कि नहीं दी उन्होंने, वो नहीं चाहते थे, इसलिए कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। एक जगह फ्लड का इशू था, दूसरी जगह पे कर्फ्यू का इशू था कि वो 9 बजे जो है वो कर्फ्यू शुरू हो जाता है। कर्फ्यू का मतलब है कि दैट्स इट, पार्क इज़ क्लोज नाउ। सो अगर 8 बजे अंधेरा हो रहा है, 9 बजे अगर पार्क बंद हो रहा है, तो वट गुड इज़ गन डू अगर आप 1 घंटे के लिए लाइटें लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार कि ये इस तरह से काम होगा नहीं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। वहाँ से ही शुरू हुआ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, रेंटल को भी छोड़ो, मैं फुल फ्लैश प्रोफेशनल लाइनें लगाता हूँ इसके ऊपर, और वो मैंने किया। इट वाज अ हैक ऑफ अ प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, लाइट डिज़ाइन करना एक बहुत बड़ा काम था, लैंड लेके लैंड प्रिपेयर करना एक काम होता है बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद जब लाइटिंग आप डिज़ाइन करते हैं, अब मुझे तो कुछ नहीं पता था, लाइटिंग डिज़ाइन पूरी इंजीनियरिंग है। तो मैं लोगों से मिला, कंपनी से बातचीत की, जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने फ्लोरिडा में एक जो ग्राउंड है क्रिकेट का, मैं खाली ब्रावर्ड काउंटी का ग्राउंड है, उसमें उन्होंने लाइट लगाई है, उस कंपनी से मैंने बात की जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ में ग्राउंड्स बनाए, उनसे बात की। तो वो नंबर्स ऐसे हाईफाई आ रहे थे कि वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने खुद उस पर काम किया, थोड़ा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो लाइट डिज़ाइन करने में थोड़ी आसानी हुई कि हाइट कैसी होनी चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, ग्लेयर कैसा होना चाहिए, पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, और ये सारी चीज़ें उसको देख के, भाई आपका डिस्टेंस, और प्लेयर अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसकी आँख में रोशनी आ रही है नहीं आ रही, तो इन सब चीज़ों को रख के मैंने खुद डिज़ाइन किया। फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ के उसको तोड़ के मैंने प्रोजेक्ट को खुद खड़ा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया। हमारे पास 2 ग्राउंड हैं और दोनों में मिलाकर हमारे पास 64 लाइट्स हैं 1500 वाट की। 64 पोल्स हैं? नहीं नहीं नहीं, 64 लाइट्स हैं, पोल हमारे पास 6 पोल्स हैं, 60 फुट के पोल्स हैं 6, और उसमें टोटल लाइटें जो हैं वो 64 लाइट्स हैं। और ये कितने एकड़ लैंड है? ये 10 एकड़ है, और इसमें 2 ग्राउंड बनाने के अलावा भी हमारे पास अभी जगह बची हुई है। और अब चूंकि जो मैं लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर देख रहा हूँ, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी के जो कुछ लीडर्स हैं वो भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत सेंट्रल वेन्यू बन सकता है, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए बल्कि लोकल इकानमी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। लोकल इकानमी में कमिश्नर जो वहाँ के हैं प्रिसिंक्ट 1 के, रिचर्ड मॉरिसन, उन्होंने पर्सनली, वो आए मुझसे मिलने के लिए, ग्राउंड पे गए वो, मैं और वो, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको देख के। उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने, तुमने ये मतलब इतने दिनों में ये खड़ा कर दिया, ये तो काउंटी के प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा यार ये मैंने कर दिया, और अब हम और आप कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे कि काउंटी को भी फ़ायदा हो, यहाँ की इकॉनमी को, यहाँ की कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो, और इकॉनमी आपको पता है। तो इस तरह से मेयर वहाँ पे बड़ा खुश हुआ, और अब उसको अगर हम एक, उसमें सारी पोटेंशियल है कि हम उसको एक फुल फ्लैश मल्टी स्पोर्ट्स वेलनेस सेंटर में उसको तब्दील कर दें। एंड आई कैन सी द पोटेंशियल, आई कैन सी द इंटरेस्ट। यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग ऑलरेडी हमारे साथ, जैसे वॉलिस स्टेट बैंक है, वो आना शुरू हो गया हमारे साथ,
एक बड़ा बैंक है, इस तरह से आपको हैरत होगी कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन हमारे साथ आ चुके हैं। अब मेरे पास जो क्रिकेट की जो कम्युनिटी है उनकी कॉल आती है कि यार तुमको 6 महीने हुए हैं इसको करे हुए, एंड यू गॉट एमिरेट्स एयरलाइन, यू गॉट वॉलिस स्टेट बैंक, यू गॉट अदर स्पॉन्सर्स, चेस वर्ल्ड, एंड देन यू गॉट रियल्टर्स कमिंग टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ये जो 10 एकड़ लैंड है इस पे आप एक बाकायदा फुल फ्लेज क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम बनाएंगे जिसमें ब्लीचर्स होंगे, बिल्कुल, जिसमें स्कोरिंग सेंटर होगा, जिसमें आपका लाउंज होगा, जिसमें कमेंटेटर की जगह होगी, कंसेशन की जगह होगी, जहाँ पे मीडिया लिंक होगा, एब्सोल्युटली एयरवेव अप लिंक एंड डाउन लिंक होगा वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें वहाँ पे होंगी। तो इसके लिए आपने कोई बिजनेस प्लान तैयार किया है? एज सच के कोई प्रोफेशनल, क्योंकि मैं इतना बिजी रहा हूँ वकार भाई कि मुझे इस तरफ सोचने का मौका नहीं मिला। अगर आप इसको प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना काम था, और इस छोटी सी टीम के साथ जो मेरे दोस्त हैं जो इसमें के साथ बाद में इसके अंदर शामिल हुए, इसको करना मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। एक्सेलेंट। तो अब ये आपका, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि आपके पास 10 एकड़ लैंड है जी, तो आप देख रहे हैं लोकल इंटरेस्ट of the local community, yeah, and the senior citizen, young people, the families. So 5 acre land you are fixing for like tennis courts, like racquetball club, baseball, बास्केटबॉल बास्केटबॉल हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, उसमें थेरेपी के लिए जगह बना सकते हैं जिसमें हम जो है एक जिम बनाएंगे उसके अंदर, और एक कम्युनिटी सेंटर होगा, हॉल होगा, एग्जैक्टली राइट, बड़ी स्क्रीन लगी होगी, जैसे आप यहाँ पे स्टेडियम में अगर जाएं, आप टोयोटा सेंटर जाते हैं, ये रिलायंस सेंटर जाते हैं, ये लोग लाइक मल्टी मिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? करेंगे आप टोटल ग्रीन, इसको ग्रीन करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये एक सबसे नया आइडिया इसके अंदर होगा कि ये, चूंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं अगर तुम इसमें सोलर लगाओ और इस तरह की चीज़ें करो तो तुमको इसमें बहुत एक्सपोजर मिलेगा, इससे लोकल लोग बहुत खुश होंगे, इसलिए कि ये कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ पे आप थोड़ी इन्वायरमेंट का ख्याल करते हैं और कन्वेंशनल वे से अलग होकर थोड़ा सा काम करते हैं, उसको बड़ा इंकरेज करते हैं, इन्वेस्टर्स उसके अंदर बहुत खुश होते हैं। देखिए एमिरेट्स एयरलाइन जब आया था, जब उसने लोकेशन देखी थी तो उसने, क्योंकि आपको पता है फोर्ट बेंड काउंटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द US, इफ़ नॉट द टॉप वन, और उस काउंटी के अंदर ये है, और जिस तेजी से ह्यूस्टन में डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो एमिरेट्स ने मुझे ये बोला था कि दिस इज़ आइडियली सिचुएटेड, इसलिए कि आप यहाँ से हमारी तरफ से इधर शुगर लैंड से अगर आप जाते हैं तो लेस देन 30 मिनट्स, अगर आप मिशन बैंड की तरफ से जाते हैं लेस देन 30 मिनट, जस्ट 2 रोड्स, 1 हाईवे एंड आई थिंक कपल ऑफ मोर टर्न्स। तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसमें क्या है कि आपको कंट्री लिविंग का भी मिलेगा, जिसकी वजह से हम उसको वेलनेस सेंटर में तब्दील करना चाहते हैं ताकि नेचुरल ग्रीनरीज, ट्रीज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहें, और प्लस कम्यूट भी आपका बुरा ना हो। It's going to be like Wallace Wellness Green Recreation Center. Center, that's right. Wallace Wellness Green Recreational Center. That's a very good name. Yeah. So, इसमें swimming pool, इसमें basketball, इसमें racquetball club, इसमें tennis courts, इसमें walkway, and इसमें also a jogging run around the 10 acre land. Around the 10 acre land, वो कर सकते हैं हम जॉगिंग, अगर हम 10 acre को ना भी करें तो 5 acre का भी जॉगिंग ट्रैक बनेगा, वो भी काफी अच्छा बन सकता है, और ब्लीचर्स वगैरह लगेंगे, स्क्रीन लगी होगी, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है प्रीटी गुड पार्किंग राइट नाउ, या अबाउट 300 कार्स एट लीस्ट, 300 to 400 कार्स, शॉप्स के लिए भी हम उसमें जगह निकाल सकते हैं, शॉप के लिए भी करेंगे। अभी जो हमारा डिजाइन जिस पे काम चल रहा है उसके अंदर 3-4 ड्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको उसको जो है ऑप्टिमाइज करना है उस जगह को, तो वो जो डिजाइनर है, चूंकि ये बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको स्क्रैच से काम करने का मौका मिले, किसी भी डिजाइनर को 0 मीटर से मिलेगा, ये दिस इज योर लैंड, गो अहेड, स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, बास्केटबॉल होगा, सिक्योर प्लेस होगा, यस, और वो जो एरिया है सिक्योरेस्ट प्लेस इन अराउंड ह्यूस्टन, क्राइम रेट के हिसाब से और दूसरी जो है ग्रीनरीज के हिसाब से और जो वहाँ पे एक्टिविटीज हैं उसके हिसाब से। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, वो टीम है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक बोर्ड बनाऊँ, बोर्ड के अंदर वो लोग मेरे साथ आए जिनका विजन जो शेयर करते हो मेरे साथ, क्योंकि मेरा विजन सिर्फ ये है कि
जो कुछ भी हो नेक नियति के साथ और कम्युनिटी के लिए हो, जिसमें ना सिर्फ कि हमारे विद इन द कम्युनिटी हमारा हिसाब किताब बेहतर हो, क्योंकि आपको पता है या वकार भाई आपको नहीं पता, मैं जब ह्यूस्टन में घुमा फिरा हूँ तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे भी वही फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं जो बैक होम हैं। यहाँ पे भी जो है ना वो सेपरेशन है, डिसइंटीग्रिटी है, सॉर्ट ऑफ राइवलरी है हमारी कम्युनिटी के अंदर। पता नहीं है क्या ये कौंसिल जनरल से इतफाक से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में, मुझे वॉलिस बैंक ने इन्वाइट किया था, उधर मैं उनसे पहली दफ़ा मिला और जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया तो उनको मैंने एक हाई लेवल प्लान दिया तो वो बहुत खुश हुए थे। सो आई थिंक ही इज़ अ पर्सन विद अ गुड विजन। आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया टू यू इनवाइट मिस्टर महमूद एंड उनको ग्राउंड ले जाएं, उनको ग्राउंड का दौरा कराएं और बताएं कि आपने देखें ऑलरेडी इज एग्जिस्ट इज देयर। यस, ये कोई ड्रीम नहीं है, ख्वाब नहीं, नहीं इसमें कि आप लोगों को कागज पे कोई फार्मूला नहीं दे रहे हैं, कोई आप ऐसी प्रोजेक्ट नहीं देंगे ये अब ये बनेगा यूं होगा ऐसे, नहीं नहीं वहाँ तो लीग शुरू हो चुकी हैं और लीग के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। इसमें एमरेट मेरे साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स मेरे साथ कांटेक्ट में, रिकार्डो पावल मेरे साथ कांटेक्ट में, रिकार्डो पावल जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ डेवलपमेंट प्रोग्राम, किड्स डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कम्युनिटी से क्या आप जो आपको आज देख रहे हैं टीवी पे, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स तो जिस चीज की मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी दे सकता हूँ वो ये है कि ये एक सबसे अच्छी टीम आपको ह्यूस्टन में मिलेगी काम करने के लिए। सारे प्रोफेशनल्स हैं इसके अंदर, इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं, और ये इस तरह की टीम है, हाईली प्रोफेशनल, समझे हुए सुलझे हुए लोग हैं, और इनके साथ काम करने में आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि हम जिस विजन को कर रहे हैं उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि डाउन द रोड यू विल ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ गेटिंग एसोसिएटेड टू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और हम जो इंटरेस्ट देख रहे हैं, अगर एमिरेट्स वाले जो आए हुए थे, उनके एग्जीक्यूटिव आए हुए थे हमारे पास, वॉलिस बैंक के ओनर वहाँ पर खुद आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने जो स्टेज पर बातें कही हैं उसको देख के, क्योंकि उन्होंने खुद देखा वहाँ पे जाके, उन्होंने कहा कि यार दिस थिंग इज़ नॉट अ ड्रीम एज यू सेड, दिस इज़ अ वर्किंग प्रोजेक्ट, दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दिस 60 फुट पोल्स लाइट्स, एक हमारे पास वो मोबाइल होम है, बाउंड्रीज वगैरह बनी हुई है, फर्स्ट क्लास ग्राउंड है वो। तो उन्होंने कहा कि लाइक 50% वर्क इज़ ऑलरेडी डन, ही इज़ नॉट, दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग। तो ये जो है ये होने जा रहा है। मैं इसमें कहूँगा कि इसमें आए, देखिए इसके अंदर एक ये आइडिया हो सकता है कि अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कुछ, वो उसमें बास्केटबॉल कोर्ट एक बनाना चाहते हैं। तो आपको बताया आइडिया कि आप यू गोना डिवाइड, या एनीबॉडी कैन, यस आप उसमें रैकेटबॉल क्लब, यस आई यू थिंक ऑफ इट लाइक आपका बास्केटबॉल कोर्ट है राइट, उसमें फेंस लगा, ऊपर आपका आपके नाम का कोर्ट बना हुआ है, लोग तो इसके लिए ड्रीम करते हैं। आप देखिए वकार भाई के किस तरह से आप ये मार्केटिंग का एक डिफरेंट डायमेंशन है जो हमारी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं हो सका है फॉर सम रीज़न। उसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर बल्कि आपके तवसुत से अगर हमारी कम्युनिटी को ये पैगाम पहुंच जाए कि आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आप देखिए टोयोटा सेंटर, अब टोयोटा ऑफकोर्स अमेरिका उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन यहाँ पर उसने बास्केटबॉल का सबसे जो टॉप स्टेडियम है उसको उसने नेमिंग राइट्स ले लिया और उसको टोयोटा सेंटर कहा है। अब उसके जो नंबर्स उठा के देखें कि कितना फर्क पड़ा है उसके सेल्स में, अमेरिका में पेनिट्रेशन में उसको कितना हेल्प मिला है, वरना हम लोग अगर होते तो वो जैपनीज कंपनी है तो यार कुछ सोमो रेसलिंग का बना दें राइट। ये माइंडसेट का उसको पता है कि यहाँ पेनिट्रेट करने के लिए हमको बास्केटबॉल के अंदर करना पड़ेगा, और उसको देखें उसने कितना बड़ा विजन था उसने। तो किसके साथ आप नाम एसोसिएट करते हैं, देखिए एक तो रेडियो है आपका बोलता रहेगा एमिरेट्स 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 राइट, लेकिन अभी चार बच्चे पेरेंट्स के साथ एमिरेट्स की शर्ट पहन के कहीं पे जाके खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और वो हेल्थी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो जो इमेज जाता है वो इट्स फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन के आपका रेडियो और टीवी बस एमिरेट्स पे चलाएं एमिरेट्स पे चलें एमिरेट्स पे चलें। चाह रहे हैं कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इट्स अ विन विन, सपोर्ट करें, और अगर आप लोग इसमें रैकेटबॉल क्लब बनाना चाहते हैं बनाएं आके, अगर आप बास्केटबॉल क्लब बनाना चाहते हैं यस हॉल बनाएं, आप पवेलियन बनाएं, स्विमिंग पूल बनाएं, एब्सोल्युटली सेंटर बनाएं, इसके अंदर आप इसके अंदर
squash game banaye hain. Acha, yeah, yeah. It's ground is already there. It's already there, yes. Okay. And you've got a lot of. मैं तो बस ये आपने बहुत अच्छा कहा. मैं इसी तरह से कहूँगा जैसे आप बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे छोटे कमरा, एक छोटा रूम है, वो किसी ने डोनेट करा हुआ है, राइट? उसका नाम उसमें रखा है. लोग अब सबको पता है कि वो किसने किया है. तो ये एक आपका इम्प्रेशन बनता है, एक आपका इमेज बनता है, जिससे कि कम्युनिटी खुश होती है. और जब वहाँ के लोकल लोग इसको देखेंगे तो वो कहते हैं यार इस कम्युनिटी ने ये काम किया है, मतलब ये कौन लोग हैं, इसके पीछे किस, इस तरह से आपका नाम चलता है. आप सफीर पाकिस्तान देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, सफीर पाकिस्तान देखते हैं. बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे आए हैं और मेरे पैगाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इसमें वकार भाई देखिए, इसमें जो कुछ मुझसे हो सकता था मैं कर चुका हूँ इसके अंदर. अब ये अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है लोग इसको अभी ना रियलाइज़ करें, लेकिन डाउन द रोड इंशाल्लाह 2-3 साल में जब ये चीज़ बन जाएगी जिस तरह मैं देख रहा हूँ, तो उस वक्त जो है वो आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि पीपल वुड बी लॉन्गिंग फॉर गेटिंग एसोसिएटेड टू दिस प्लेस. थैंक यू वेरी मच वकार भाई. थैंक यू वेरी मच. A Taste of Pakistan, Pakistan Day celebration in Bolingbrook, Chicago on Saturday, August 23rd from noon to 11 p.m. presented by APA Bolingbrook. In the village of Bolingbrook, a fun-filled day for the entire family, also featuring legendary Shazia Manzoor. For booth reservation and information, call Mr. Mir Ali at 630-862-6952, Mr. Talat Rashid at 312-550-1081. नादिन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल. जी हाँ, लोकल ग्लोबल में हमारे नुमाइंदों ने बहुत कुछ भेजा है मुख्तलिफ स्टेट से और भेजते रहते हैं. अगर आप भी अपने शहर में सफीर पाकिस्तान के नुमाइंदा बनना चाहते हैं, ब्यूरो चीफ बनना चाहते हैं और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ सफीर पाकिस्तान चियोटी. नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में क्या है वो इंतज़ार कीजिए, आप ज़रूर देखेंगे कि आज क्या क्या रिपोर्ट किस शहर से आई है. मुलाजा फरमाइए लोकल ग्लोबल. नाज़रीन, लॉस एंजलिस में हर साल की तरह इस साल भी जनाब तसव्वुर खान साहब कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 14 अगस्त की तकरीब का एहतमाम किया और अपनी रहायशगाह पर पुरवकार परचम कुशाई की, जिसमें कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मिलजुल कर जश्न पाकिस्तान मनाया और पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली के लिए दुआएँ मांगी. Thank you.
सफीर पाकिस्तान के प्रोड्यूसर वकार खान, गुलाम मुजीद चिश्ती और सफीर पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का यौम आजादी मुबारक। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है वहाँ पर कमेटी ने यौम आजादी की तकरीबात का इनेकाद किया। शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी है तादाद आबाद है और कई तंजीमों ने यौम आजादी की तकरीब का इनेकाद किया। तमाम अखबारों ने खसूसी मजमून शाया किए और तमाम रेडियो ने खसूसी प्रोग्राम नशर किए। यौम आजादी की पहली पुरवकार तकरीब कौंसलेट ऑफिस में मुनक्द हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौंसलेट जनरल पाकिस्तान जनाब अफजल महमूद ने तालियों की गूंज में सब सलाली परचम की परचम कुशाई की। इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद के अलावा मुख्तलिफ सोशल व समाजी तंजीमों के अलावा मजहबी व सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जनाब कौंसलेट जनरल अफजल महमूद ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि इन मसाइल से हम उसी वक्त मुकाबला कर सकते हैं जब हम मुत्तहिद होकर अपनी अपनी मिसाल के मुताबिक वतन अजीज की खिदमत करें। जब भी वतन अजीज मुश्किल हालात का पाक सकेगा पर इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब वतन अजीज तरक्की की राह पे गामजन होगा। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं कराई गयी। I call upon every Pakistani to stand firm and united and work diligently for a progressive, prosperous and peaceful Pakistan. I wish to extend my heartfelt felicitations to all Pakistanis on the auspicious occasion of the 68th Independence Day of Pakistan. आप सबको बशमूल बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हारून शेख, वाइस प्रेसिडेंट जहीर और बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन सब के बिहाफ पे आज की दिन की मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात की खसूसी मुबारकबाद जाती है करंट काउंसिल जनरल साहब को कि एक रिवायत जो ह्यूस्टन शहर में इस जब से ये कौंसलेट इस्टेब्लिश हुआ है वो रखी गई कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक नेशनल और इस्लामाबाद से एक नेशनल तकरीब जो होती है और डाउन द रोड एक छोटी ज़िले में भी वो तकरीब होती है पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करना, परचम कुशाई करना और शेयर करना अपने थॉट्स और तमाम लोग मिलजुल के पाकिस्तानी ड्रेसेस में आके पाकिस्तान की के नाम को बुलंद कर सकें वो रिवायत यहाँ कायम है। मंजूर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत तलावत की आज सूरह रहमान की और कीजिए इस आयत को जब कभी जिस तरह पाकिस्तान एक नेशनल और नेशनल होती है ऑन द रोड। 68 साल से पाकिस्तान का वजूद दुनिया के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। हम लोग एक चीज़ को अच्छी तरह सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन हमेशा से बहुत फर्टाइल है लीडर्स को पैदा करने के लिए और हमेशा से आपको हर वक्त कोई ना कोई ऐसा लीडर सरफस के ऊपर मिलेगा जिससे पूरी कौम को होप होती है कि वो हमें आगे लेकर के चलेगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। और आज भी अच्छी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अपोजिशन की शक्ल में भी और ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर भी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सी जी साहब का और जितने पाकिस्तान के एसोसिएशंस यहाँ पर हैं मौजूद और उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं 14 अगस्त को यहाँ पर मौजूद हूँ आप लोगों के साथ और थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यूनाइटेड होने की बात करी और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है पाकिस्तान के लिए। यही मैसेज मैं भी लेकर आई हूँ और इसीलिए पॉलिटिक्स में ये मेरा फर्स्ट टेन्योर है और जैसा आप लोग सोचते हैं फील करते हैं मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करती हूँ। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे दैट वी आर टुगेदर हियर एंड एज़ आलिया सेड वी आर वेरी फॉर्चुनेट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोमाट एंड वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच एंड एवरी एसोसिएशन विच नेम्स इट्सेल्फ
after Pakistan. So I thank you all for coming, be you from any organization, be you anyone, you are us and we are you and we are all Pakistan. आज़ादी के हवाले से दूसरी तकरीब पीएजीएस के दे रहे तमाम पाकिस्तान सेंटर में मुनक्किद हुई। कौंसलेट जनरल अफजाल महमूद और पीएजीएस के अहदेदारों ने मिलकर पट्टन कुशाई की और हाल में मौजूद लोगों से खिताब किया, जबकि पीएजीएस के अहदेदारों ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने अपनी बेपनाह कुर्बानियों की बदौलत हासिल किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, करीब हार में कुछ इस तरह अपना पाप चला। मिली नहीं है हमें अर्ज पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चला चला। और अब हमें और आपको इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालना होगा। प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के सेगमेंट क्वेश्चन सोशल राउंड अप में अपनी खबर नशर करवाने के लिए और एडवर्टाइज करवाने के लिए गुलाम मुहिद्दीन चिश्ती से 832-620-1190 पर रब्ता कर सकते हैं। ह्यूस्टन सोशल राउंडअप से गुलाम मुहिद्दीन चिश्ती इजाजत चाहता है। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इतवार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं तस्लीम सिद्दीकी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। तमाम दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को तहे दिल से पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से, अपनी जानिब से बहुत बहुत पाकिस्तान की आज सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जितने यूनाइटेड स्टेट्स में, स्पेशली जो साउथ की 7-10 स्टेट्स जिनके लिए हमारी जिम्मेदारी है, उन सबको बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है, बहुत अहम है, और ये दिन हमें ख़ास तौर पे हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है कि जिस जिम्मेदारी के साथ हमारे बड़ों ने इसके लिए एफर्ट्स की, इसके लिए कुर्बानियाँ दी, इसके लिए अपना खून पसीना दिया और हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए दिया, तो हमने उनको रायगान नहीं होने देना चाहिए। जहाँ जहाँ पे हम हैं, जिस जिस पोजिशन में हैं, अगर हम अपने आप को जिम्मेदार पाकिस्तानी समझते हुए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते जाएं। मैं गुलाम मोहम्मद बॉम्बे वाला आप लोग सबको आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये आज़ादी जो है हमें हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनकी कुर्बानियाँ और हमें भूल की वजह से मिली है, हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू ऑल ऑफ अस। सफ़ीर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो आए, उन्होंने कवरेज दिया पाकिस्तान सेंटर का और पाकिस्तान कौंसुलेट का। वी रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। आज़ादी मुबारक पाकिस्तान।
इस वक्त मैं यहाँ दिल्ली सेंटर शिकागो डाउनटाउन में मौजूद हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई अकीदत और शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी होगी। Living within the country and abroad on 68th Independence Day. The Independence Day is the most auspicious occasion in our national calendar, as it not only reminds us of the great sacrifices of our forefathers that were made for securing our socio-economic, religious and cultural freedom, but it also provides us an opportunity to reiterate our pledges to those ideals that led to the creation of independence. Pakistani Americans have contributed significantly to the growth and development of the many diverse communities within the land of Lincoln. Presently, the Pakistani American population, along with Pakistan's history, art, and culture, are flourishing throughout the state. The Honorable Faisal Niaz Tirmizi, Consul General of Pakistan, it is my distinct pleasure to congratulate the Pakistani American community during the celebration of Pakistan Independence Day. Thank you all for the work that you do to celebrate the rich and proud culture of Pakistani Americans. Congratulations again to all those celebrating Pakistan Independence Day and best wishes for the successful event. The representative of Congressman Bobby Rush, Mr. Yunus Suleiman, if he would come to the stage for greetings from the Congressman. On behalf of Congressman Rush, I'd like to extend his greetings on this noble and significant event of 68th Annual Pakistani Independence Day of Celebration. As you gather today to celebrate the rich history of Pakistan, you also honor the many contributions to the Pakistani American community. Dear Consul General Tirmizi, as Mayor and on behalf of the City of Chicago, it is my pleasure to congratulate you and the Pakistani American community of Chicago on the celebration of Pakistan's National Day. I encourage all Chicagoans to honor this special day and join the people of Pakistani American heritage around the world in commemorating the 67th anniversary of the founding of the Islamic Republic of Pakistan. As an Attorney General of Illinois, I want to offer congratulations to you and the people of Pakistan on the celebration of your country's Independence Day. Pakistan is here in Illinois and around the world can take great pride in the country as they national celebrates the 67th anniversary of independence on August 14th. I extend my best wishes to you and the Pakistani community as you celebrate the independence of Pakistan. The United States has had diplomatic relations with Pakistan since its 1947 independence from the United Kingdom. The road to sovereignty was a long and difficult one. Through hard work and dedication, the people made a stand for what they believe in. We honor and remember those brave men and women. August 14, 1947 was Pakistan's Independence Day. To celebrate their 67th anniversary, the Pakistani American community in the Chicago metropolitan area holds several activities during the month of August, which includes cultural festivals, symposiums, a parade, to share its pride and joy with fellow citizens. Yom-e-Azadi ke mauke par tahe dil se mubarak deta. और ये मौका ऐसा है कि बहुत लंबी नज़में पढ़ने का नहीं, सिर्फ तीन शेर जिनका मौजू पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान है कि चल पड़ा हूँ
शौक बे पर बात मुर्शिद मान कर ये हमारी तहरीक जो पाकिस्तान पर चल पड़ा हूँ शौक बे पर बात मुर्शिद मान कर रास्ता पुर पेच है या पुर खतर जैसा भी है सब कब आ रहा है थकन सारी दुखन सारी चुभन एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है कि हर एक राह सितारा फशां है मेरे लिए हर एक राह सितारा फशां है मेरे लिए मेरे वतन की जमीन आसमान I look up and I see the American flag, the Pakistani flag, and the Chicago flag. It warms my heart because it says this, that we are one and we should always, always work hard to live in peace and harmony with one another. I also believe in closing, love your fellow man and woman, never ever dislike anyone because of race, creed, or color, and do something good for someone every day. Thank you. One of the most amazing and one of the greatest living wooden poets of Pakistan is Namjad Islam Amjad and Mr. Professor Anwar Masood. My friends from the Court of Councillors and all the Council Generals who have joined us this morning, this beautiful sunny morning to commemorate 68th Independence Day of Pakistan. I would especially like to thank personally representatives of Governor Baldwin, Senator Glenn Kirk, Congressman Bobby Rush, Mayor Rahm Emanuel, State Treasurer Dan Rutherford, Attorney General Lisa Madigan, and Mayor Roger C. Clare of Bolingbroke for sending their messages of facilitation on this occasion. Thank you so much. Pakistan! Pakistan! मेहमान गिरामी मेरे हम वतनों और मेरे साथियों अस्सलामु अलैकुम मेरा नाम इब्राहिम खान है और मेरी आज की तकरीर का अनवान है पाकिस्तान का यौम आज़ादी और हम पाकिस्तानी अमरीकन बच्चे अंदाजे भी अगरचा बहुत शौक नहीं है मेरा अंदाजे भी अगरचा बहुत शौक नहीं है मेरा शायद कि तेरे दिल टूटर जाए बात मेरी हम शिकागो में रहते हैं पाकिस्तान से बहुत दूर लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए इससे हमारा पेट्रियोटिज्म बढ़ता है आज हम लोग 14 अगस्त मना रहे हैं शिकागो में बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे लिए बहुत खुशी की और फ़ख्र की बात है और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब आप अपने ही परचम कुशाई देखते हैं और परचम को ऊपर जाते हुए देखते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के परचम के साथ देखते हैं दैट इज लाइक आई थिंक द प्राउड मोमेंट पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में हमारी सारी फैमिली को हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन इस वक्त मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो फैसल नियाज तिरमिजी साहब मौजूद हैं आज हम लोग यहाँ डाउन टाउन शिकागो में डेली सेंटर में मौजूद हैं जहाँ पर 14 अगस्त बहुत शानदार तरीके से मनाई जा रही है और अभी कुछ देर पहले परचम कुशाई की तकरीब हुई आइए कौंसल जनरल फैसल नियाज तिरमिजी साहब से 14 अगस्त के हवाले से पूछते हैं कि क्या इंतजाम रहे और आज का प्रोग्राम कैसा रहा अंसार अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और सारे पाकिस्तानियों को जो मिड वेस्ट में रहते हैं दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान के 68वें
यौम आज़ादी के मौके पे, जैसा कि आज आपने देखा कि आज की तकरीब में तकरीबन 500-600 लोग आए थे और मुझे लोगों ने बताया आज तक इतने लोग कभी भी नहीं जमा हुए। और ख़ुशी की बात ये थी कि पूरी तकरीब में थ्रू आउट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेसी वाइट हमारे साथ रहे शुरू से लेकर आखिर तक। उसके अलावा 8-9 काउंसिल जनरल आए, उसके अलावा पैगाम पढ़े गए, खासतौर पर गवर्नर पैट क्विन के, सेनेटर डैन कर्क के, कांग्रेसमैन बॉबी रश के, लीजा मेडिकन अटॉर्नी जनरल के, मेयर रैम इमैनुअल के, मेयर रॉजर सी क्लेयर के और रदरफोर्ड के सेक्रेटरी ट्रेजरी के। तो माशाल्लाह इट वाज अ वंडरफुल इवेंट और पाकिस्तानी बच्चों ने भी कितना पार्टिसिपेट किया। तो माशाल्लाह आज बहुत ही फेस्टिव ओकेशन था। यहाँ पे तकरीबन 60 फुट बाय 30 फुट का झंडा पाकिस्तानी लहरा रहा है और माशाल्लाह 500-600 लोग आए हैं और एक यहाँ पे लगता है कि एक मेला है कि पूरा शिकागो पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहा है। नाज़रीन, साल अपना की समर मीटिंग का आगाज जश्न आज़ादी के नहायत ही खूबसूरत और दिल फ्रेब प्रोग्राम से हुआ। इस मौके पर वहाँ तमाम सूबों के प्रोग्राम और ख़ूबसूरत रक्स पेश किए गए जो पाकिस्तान की सखावत की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस मौके पर वहाँ मौजूद सदर अपना डॉक्टर आसिफ रहमान ने लोगों से खिताब किया और उनकी आमद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम शुरका ने मिलजुल कर खूबसूरत भंगड़ा डाला और पाकिस्तान से अपने वालिद मोहब्बत का इजहार झूम झूम कर किया। Crowd hai aur good to see so many enthusiastic. The host committee would also like to thank Fakhra. Everybody is enjoying and for help during this program. And I wish all my all Pakistanis a very happy Independence Day. Today's a good event. A lot of people are together. Some nice faces. You know, are definitely very very jubilating and you know festive. It's good. How do you like the event today? Excellent. First time in the history of Apna. It's fun. It's great. What about you? We're having a lot of fun. What about you? Having fun. What about you today? You look good? Yes, very good. Fantastic. अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा है। आप सबको मुबारक हो पाकिस्तान डे की। यहाँ पे 14 अगस्त गहलोत में सेलिब्रेट हो रहा है, सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स जमा हैं और शाम के वक्त आज जो है बड़े सारे लोग आए। ये बड़ी अच्छी बात है। You having fun? Yes. बड़ा मजा आ रहा है यार, आपके खास कर कपड़े में दिल का तो बात क्या करूं। How do you like the Pakistan Day? Really good. Pakistan Zindabad. How do you feel as the host committee chair the first time apna really celebrating on a very large scale Pakistan Independence Day? I'm very happy, excited to see that many people here. They came from the whole USA to celebrate apna and of course Pakistan Day of Independence. Ladies and gentlemen, it has just started. Please don't big crowd. It's of course a memorable day and people want to celebrate it and they are very excited and we are very happy. You enjoying it? I am. You feel
feeling the real Pakistan is here. Feeling the thrill, feeling the passion that is so visible in the people here. And I think that's very appropriately celebrated. Oh yeah, I'm loving it. But Pakistan is the best day of the year. Loving it. A Taste of Pakistan, Pakistan Day Celebration in Bolingbrook, Chicago on Saturday, August 23rd from noon to 11 p.m. presented by APA Bolingbrook in the village of Bolingbrook. A fun-filled day for the entire family, also featuring legendary Shazia Manzoor. For booth reservation and information, call Mr. Mir Ali at 630-862-6952, Mr. Talat Rashid at 312-550-1081. नादिन आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसास का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। 12,000 से आपकी खिदमत है, जियो पर है, जियो का प्रोग्राम है। प्राउडली मैं कहता हूँ जियो का ये प्रोग्राम है और जियो ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और मेरी छोटी सी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपको पेश करता रहूँ। नादिन आप देख रहे हैं, ये है कि प्रोग्राम जियो का है या सफ़ीर पाकिस्तान का या वक़ार अली खान का है। आपने इसके कंटेंट देखने हैं कि इसमें है क्या। सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस प्रोग्राम में है क्या। मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बार अपना के कन्वेंशन में जाके कि छोटे छोटे बच्चे इन द एज ऑफ 10 years 12 15 20, दे कम टू मी एंड दे गॉट अ फोटोग्राफ विद मी। व्हाई यू टेकिंग माई फोटोग्राफ? बोला आई वांट टू शो माई डैड दैट आई एम विद यू, वी वॉच योर प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान एवरी वीक। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यंग जनरेशन भी सफ़ीर पाकिस्तान को वॉच करती है और वो इन्जॉय करती है। और ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सफ़ीर पाकिस्तान ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको पता चलेगा कि कौन से पाकिस्तानी क्या खुशियाँ कर रहे हैं। नादिन पाकिस्तान में जो भी हंगामे हो रहे हैं, जो भी हालात हैं आपके सामने हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे जो भी रहे, और जो भी हुकूमत करे वो एक मजबूत पाकिस्तान और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद डाले, ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊँचा रहे। नादिन ये थी आज की बातचीत, के साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।